मोदी के दूसरे कार्यकाल की धमक सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने महिलाओं, पुरुषों और गरीब जनता के लिए पूरे देश में किए हैं काम, क्योंकि कानपुर की गंगा आज निर्मल दिखाई दे रही है। कानपुर में पहली नमामि गंगे की बैठक पीएम ने शहर में की। कश्मीर के अलगाव बाद कई जननी 370 को पीएम ने समाप्त किया। कांग्रेस सरकार में जनता चाहती थी कि पाकिस्तान को जवाब दे, मगर कांग्रेस कहती थी कि पाक के पास परमाणु बम है। पीएम मोदी ने कड़ा जवाब दिया, जिसके बाद से पाक का पीएम दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। कांग्रेस ने 370 को संविधान में जोड़कर पाप किया था। 500 वर्षों से कलंक को समाप्त करने का पीएम ने काम किया। योगी जी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण पर सभी का अभिनंदन करता हूं। भगवान श्री राम ने कहा था कि शरण में आने वाले को संरक्षण देने को कहा था, वही मोदी ने किया। हिंदुओं, जैनियों, ईसाइयों और सिखों को नागरिकता दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए हिंदू, ईसाई, सिख किसी से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस जब तक ISI को अंदर नहीं ले आएंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। बवाल इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि बवालियों की संपत्ति जब्त हो रही है। घर की महिलाएं और बच्चों को आगे करके प्रदर्शन कर रही हैं। धरना करने वाली महिलाएं नहीं जानती CAA कानून के बारे में। पीएम ने आतंकवाद की कब्र पर अंतिम कील ठोक दी गई है। पाक में 23% हिंदू थे, आज 1% बचे हैं। सपा बसपा कांग्रेस क्यों है मौन? नकाना साहब की यात्रा भी पाक में नहीं निकलने दी गई। सपा कांग्रेस पाक की भाषा बोलना बर्दाश्त नहीं करती। सार्वजनिक संपत्ति बर्बाद करने वालों से पैसा लगा, शांति से प्रदर्शन ज्ञापन देना ही स्वीकार किया। राष्ट्र के खिलाफ विपक्ष बोलकर दुश्मनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने संविधान आजादी की लड़ाई लड़ी। CAA पर भ्रांति फैलाने का काम कांग्रेस, सपा, वामपंथी और कुछ संस्थाएं कर रही हैं। महाभारत में भी मौन रहना भी भारी पड़ा था। अपराध का समर्थन करने वाले बराबर के दोषी होते हैं। प्रत्येक नागरिक को CAA का विरोध करने वालों का विरोध करना चाहिए। जय जय श्री राम के साथ योगी जी ने संबोधन को समाप्त किया। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये सभी कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से जहां पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखने को मिले, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरवे, कहीं वाटरवे और कहीं पर तमाम अन्य प्रकार के बड़े बड़े परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य पूरे देश के अंदर जहां युद्ध स्तर पर चला है, तो वहीं नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से कानपुर में मां गंगा आज जितनी निर्मल दिखाई देती है, भाइयों बहनों, यह अपने आप में एक अभिनंदनीय कार्य है और इस अभिनंदनीय कार्य के लिए मैं कानपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2014 में चुनाव के पूर्व इस बात को कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और उन्होंने मां गंगा से किया हुआ वायदा पूरा करके दिखाया है।